ओम क्रिया बाबाजी नमः, ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। और मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है, मार्गशीर्ष महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। और मार्गशीर्ष महीना यानी कार्तिक अमावस्या खत्म हो जाती है और मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा शुरू हो जाती है, तो स्टार्टिंग में ही अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो मार्तंड भैरव की जो नवरात्रि होती है, जिसे षड रात्रोत्सव भी कहा जाता है। षड रात्रोत्सव मतलब छह जो रात्रि होती है, छह दिन होते हैं, ये छह दिनों में मार्तंड भैरव का पूजन अर्चन और उनकी एक प्रकार से नवरात्रि होती है। तो आप सोचिए कि मार्गशीर्ष महीने में ही ये मार्तंड भैरव की नवरात्रि क्यों आती है। ये दक्षिणायन खत्म होके 21 तारीख को उत्तरायण शुरू हो जाएगा। मार्तंड भैरव क्या है? तो मार्तंड भैरव जो है वो सूर्य की मूल एनर्जी है। श्री विद्या साधना में अथवा जब आप श्री यंत्र का पूजन करते हो तो श्री यंत्र के पूजन में गणपति के बाद मार्तंड भैरव का पूजन किया जाता है। जो भूपुर में चार दिशाएं है, वो चार दिशाओं में चार प्रकार के देवताओं की स्थापना होती है। उसमें महागणपति पहली होती है और सेकंड जो होते हैं वो मार्तंड भैरव होता है। और अगर आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो ललिता सहस्त्रनाम में भी लिखा हुआ है कि मार्तंड भैरव जो है उन्होंने ललिता परमेश्वरी की साधना की थी। तो मार्तंड भैरव कौन है? तो वो सूर्य की ऊर्जा है। मार्तंड का अर्थ क्या है कि अंड मतलब पेट में, जो अनादि काल से माँ के पेट में रहा है। और मा र तंड, इसमें र है। र मतलब क्या है? सूर्य का बीजाक्षर क्या होता है? र। मणिपुर चक्र का बीजाक्षर क्या होता है? र। यानी वो सोलर एनर्जी, सूर्य प्रकाश दिखाता है, वो एक विद्युत एनर्जी दिखाता है। तो मार्तंड भैरव जो है ये जो एक सूर्य की एनर्जी के, जैसे कि सूर्य भी जो होता है दक्षिणायन खत्म होके उत्तरायण में सूर्य की जो प्रकाश किरणें होती है वो बढ़ती है। जब दक्षिणायन खत्म होता है और उत्तरायण शुरू होता है तब हमें भी एक सही साधना के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। मार्गशीर्ष महीना, पौष महीना, ये शीत मास बोले जाते हैं। शीत मास मतलब इसमें ठंड होती है। अगर आप देखेंगे तो आसपास ठंडा माहौल होता है, शांति का माहौल होता है। सूर्य के जो प्रकाश किरणें होते हैं वो एक प्रकार से सुबह के वक्त तेजोमय होते हैं। ये मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। ज्यादातर लोगों में श्रावण मास जो है उसको बेटर माना गया है, परंतु अगर आप एक्चुअली धर्मशास्त्र में देखेंगे तो फर्स्ट में पौष मास ये अच्छा मास आता है और सेकंड में मार्गशीर्ष मास आता है और बाद में श्रावण मास आता है। तो साधनाओं के लिए पौष के बाद मार्गशीर्ष महीने को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी गई है। इसलिए दक्षिणायन खत्म होके उत्तरायण एक शुरू हो जाता है, इसमें आपको सही साधना की शुरुआत करनी चाहिए। तथा आप देखिए दत्तात्रेय जी जो है, दत्तात्रेय जी की जयंती भी इसी महीने में आती है और वो भी दक्षिणायन जब खत्म हो जाती है 21 तारीख, उसके बाद ही उत्तरायण में ये आती है। और ये दक्षिणायन समाप्त होने के बाद, दक्षिणायन के 6 महीने समाप्त हो जाते हैं और उत्तरायण का संक्रमण शुरू हो जाता है। इसमें हर व्यक्ति को साधना की शुरुआत करनी आवश्यक है। एक नए पर्व में आप, एक नए साल में, एक नए दौर में आप प्रवेश करते हो। और ये मार्गशीर्ष महीना जो होता है, ये मार्गशीर्ष महीना महालक्ष्मी और विष्णु जी को एक प्रकार से समर्पित महीना है। इसलिए हर गुरुवार को आप देखिए, नॉर्मली महाराष्ट्रियंस में मैंने देखा है कि महालक्ष्मी के व्रत जो होते हैं, और कुछ और भी जगहों पे महालक्ष्मी के व्रत जो है वो गुरुवार को करते हैं, ज्यादातर महिलाएं करते हैं, ऐसा है। महालक्ष्मी को पूजा जाता है इस महीने में। तो इसलिए आप इस मार्गशीर्ष महीने से, या दक्षिणायन अभी खत्म हो रहा है उत्तरायण शुरू हो रहा है, इसमें आप किसी साधना की आप अच्छे तरीके से शुरुआत कीजिए। कोई भी साधना मतलब मित्रों, किसी भी मंत्र आपको मिल गया और उसका रट्टा मारना नहीं होता, 21 दिन का माला के ऊपर जाप करना, इसको मंत्र की साधना नहीं कहते। आप सोचे मित्रों, अगर आप किसी फल के पेड़ से कच्चा फल आपने तोड़ के निकाला और उसको खाना शुरू कर दिया
तो वो कच्चा फल जो है वो आपके पेट जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, आपका मुंह ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आप मुंह से उसको फेंक देंगे। आप देखिए विशुद्धि चक्र से ही अगर आप कच्चा फल फेंक देंगे तो आपके अंदर स्वादिष्टान चक्र जो है वो आपका ये जो कच्चा फल है वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा। मतलब क्या है कि उस फल को भी पकने के लिए सही समय देना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो मंत्र होते हैं उस मंत्र को जो है कच्चा नहीं खाना है। कच्चा मंत्र जो होता है वो एक प्रकार से आपको कोई एनर्जी नहीं देगा। हजारों लाखों लोग जो होते हैं आज इस मंत्र का जाप करते उस मंत्र का जाप देते उससे नहीं होता। वो एक मंत्र भी जो है वो एक फल की तरह ही है और वो एक बीज और कच्चे फल की तरह है, उसको पकने देना चाहिए। और वो तभी हो सकता है कि उस वृक्ष के जो मूल है उसमें उस जमीन को आप एक प्रकार से खत जो है या जो भी कुछ चीजें वो पानी वगैरह डाल के पोषित कर सको। उसी प्रकार से मंत्र भी जो होता है, मंत्र के देवता के तर्पण होते हैं, उस तर्पण में अलग अलग प्रकार के भस्म रस औषधियां पारद के कुछ भस्म होते हैं, अलग अलग स्फटिक के भस्म होते हैं, वो हर एक गुणों के अनुसार देवता और देवताओं की फैमिली के गुणों के अनुसार उसमें डालने होते हैं। और उस औषधि के प्रयोग से उस मंत्र की देवता को खींचना होता है। उसके बाद आती है अभिषेक की क्रिया, यंत्र पूजन आवरण की क्रिया होती है, होमम में अलग अलग विधान यूज किए जाते हैं और इन प्रकार से उस मंत्र के फल को पोषित किया जाता है। तभी जाके ये मंत्र जो होता है लास्ट एंडिंग में जाप की अवस्था में बदल जाता है, जब किसी भी मंत्र का स्टार्ट में नहीं आता, ये कभी भी ध्यान में रखिए। तो मंत्र में तर्पण, यंत्र पूजन, अभिषेक, होमम, ये तीन क्रियाओं के बिना साधना पूरी नहीं होती। तो सही साधना का चुनाव कीजिए। मार्गशीर्ष महीना आ रहा है मित्रों, और इस मार्गशीर्ष महीने में उत्तरायण के शुरुआत में सही साधना के लिए शुरुआत कीजिए। यही आपसे अनुरोध था मित्रों, मार्गशीर्ष महीने का लाभ उठाइए। और अगर मार्गशीर्ष महीने में या इस उत्तरायण में आप कोई साधना करना चाहते हैं तो श्री चक्र लक्ष्मी पूजा का हमारे पास विधान है। श्री चक्र लक्ष्मी पूजा जो है श्री यंत्र के ऊपर इसका अभिषेक कर सकते हैं आप एक स्पेशल डेज के ऊपर, क्योंकि महालक्ष्मी का काल चल रहा है तो श्री चक्र लक्ष्मी पूजा का लाभ ले सकते हैं। इसमें तर्पण अभिषेक बहुत अच्छी तरीके से सिखाई है। देवी का कुछ आप करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका का ये बुक है, 42 पेजेस का बुक है। 42 पेजेस में हमने सिद्ध कुंजिका का तर्पण सिखाया है। नवारण मंत्र की जो देवी है चामुंडा देवी, उसका भी तर्पण अभिषेकम सिखाया है, होमम सिखाया है, अलग अलग विधान इसमें सिखाए है। ये बुक इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी प्रकाशन की आपको सिद्ध कुंजिका नाम की बुक नहीं मिलेगी। ओरिजिनल और ऑथेंटिक साधना इसी में लिखी हुई है, तो इसका भी आप कोर्स कर सकते हो। अगर आप भैरव की कोई साधना करना चाहते हो, क्योंकि ये शीत महीना है, सात्विक साधना करने के लिए ये इम्पोर्टेंट महीना है, तो सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना कर सकते हो। सुवर्णाकर्षण भैरव जो है जिन्होंने महालक्ष्मी को वरदान दिया था, जिन्होंने कुबेर को वरदान दिया था और महालक्ष्मी की साधना जिन्होंने की थी, उन सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना जो है इस महालक्ष्मी के मास में आप कर सकते हैं। तो इसमें भी तर्पण अभिषेकम यंत्र पूजन के विधान सिखाए है, भस्मों के उपयोग सिखाया है, महामृत्युंजय की साधना कर सकते हैं आप, क्योंकि उत्तरायण में सूर्य प्रकाश जो होता है वो शीत प्रकार होता है और शरीर को सूर्य प्रकाश जो होता है एब्सॉर्ब करना चाहिए। तो ये एक जो है रेमेडी है। और धन्वंतरी के जो मूल शक्ति है, वो धन्वंतरी की मूल शक्ति ही जो है वो महामृत्युंजय है। अमृत पान का जो समय होता है, अमृत सेवन का समय होता है, अमृत शरीर में डालने का जो समय होता है, प्राशन का समय होता है, तो वो मार्गशीर्ष महीने का उत्तरायण होता है। और इसमें आप महामृत्युंजय की साधना करके अपने रोग मुक्ति या रोग संबंधित या अदर किसी भी अन्य चीजों से संबंधित महामृत्युंजय का विधान आपको लाभदायक हो सकता है। ये चारों कोर्स जो है, या अदरवाइज आप श्री विद्या इसेंशियल, क्रियायोग इसेंशियल के नॉलेज बेस्ड इस कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मुझे ये जो नीचे फोन नंबर दिया हुआ है इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक को आप ब्लॉग के ऊपर हमारे ओपन कर लीजिए। सारा डिटेल इंफॉर्मेशन, किस किस साधना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्यों करनी चाहिए, यह मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।
ये विधान आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे मित्रों, इवन पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये 41 पेजेस की महामृत्युंजय साधना की बुक अवेलेबल ही नहीं है। ये साधना का मूल विधान 1.5 साल के मेहनत के बाद इसको लिखा है हमने। ये संस्कृत में जिस ग्रंथ में था उसको पूरा डिटेल में स्टडी करके इसको एक आम आदमी समझ सके, इस प्रकार से इन साधना को बनाया है मित्र। तो धन्यवाद मित्रों, अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने की शुभकामनाएं, उत्तरायण की आप जरूर लाभ ले लीजिए और हर साधना के लिए आपको शुभकामनाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।